सर, मैं अरुण बरनवाला, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। सर, अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे एक परिवार है जो इंसाफ की गुहार में यहाँ बैठा हुआ है। आपको बता दें कि विगत 10 मई को बुच्चीटाँड में एक शव मिला था ओम कुमार साहब का, जो पिछले 6 तारीख से डीजे के काम के लिए बुच्चीटाँड आया हुआ था। और हम आपको बता दें कि वो जयनगढ़ थाना क्षेत्र का दंडाडी का रहने वाला था। 10 तारीख को संदिग्ध अवस्था में उसका शव जो है कुएं से मिला था। और इनका परिवार का कहना है कि सरजू यादव के यहाँ वो डीजे काम से गया हुआ था, और हमें शक है कि वही सरजू यादव के द्वारा ही उसकी हत्या कर दी गई है, जिसके लेकर के इन लोगों ने थाना में मामला भी दर्ज कराया था, और अब तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूरन इन लोगों को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठना पड़ा। आइए हम बात करते हैं मृतक के भाई मिथिलेश साहब से कि क्या कहना है उनका और वो क्या चाहते हैं। हाँ मिथिलेश, क्या हुआ आपके साथ और क्या आप चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा भाई ओम कुमार साहब जो बुच्चीटाँड ग्राम बुच्चीटाँड जो डोमचाँच से एरिया में आता है, वो कुआं में उसका लाश मिला था। वो काम करने गया था, डीजे का काम करने गया था सरयू यादव के यहाँ बुच्चीटाँड, जो 8 तारीख को 11:30 बजे से गायब है वो। और वो हम लोग ने उसको ढूंढने का पूरा कोशिश किया, मिला नहीं 8 तारीख को, 9 तारीख को भी ढूंढे पूरा नहीं मिला। फिर 10 तारीख को सुबह लाश मिलता है वहीं सरयू यादव के बगल वाले कुआं से, और हम लोगों ने FIR दर्ज करवाया। अभी तक उसका कोई अरेस्टिंग नहीं हुआ है, सरयू यादव ने ही उसको मारा है, और उसने अपना बंधक बना के रखा था और कुआं में डाल दिया, और अभी तक कोई मुजरिम पकड़ में नहीं आया है। थाना वाले से तुम लोगों ने बात किया? हाँ, थाना वाले से बात करता आ रहा हूँ, लेकिन वो सब कह रहे हैं न्याय मिलेगा न्याय मिलेगा, लेकिन 3 महीना होने वाला है, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है, किसी का अरेस्टिंग नहीं हो रहा। यहाँ भूख हड़ताल में कब तक बैठोगे? जब तक अरेस्टिंग नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। इस संबंध में उपायुक्त से बात हुआ? हाँ, उपायुक्त से बात हुआ था, वो भी कह रहे हैं कि यही कि जाँच चल रहा है, जाँच चल रहा है, तो अभी तो कुछ हुआ नहीं है। अभी उपायुक्त तो चेंज हो गए हैं, नए उपायुक्त आए हुए हैं अभी 1 सप्ताह पहले, उनसे बात हुआ है? नहीं, उनसे बात नहीं हुआ था, वो पिछले जो उपायुक्त थे उनसे बात हुआ था। और रमेश गोलब सर से बात हुआ था? हाँ, उनसे भी नहीं बात हुआ? नहीं, इनसे बात नहीं हुआ। इनसे मिलने का तुम लोग का कोई प्लान है? नहीं, उनसे मिलेंगे अब, वो आएंगे जब, तो या फिर उनका कोई मिलने का सोर्स नहीं है, जाएंगे फिर ऑफिस खुलेगा तब जाएंगे मिलेंगे। आप सुन रहे थे मिथिलेश साहब को कि इसने इंसाफ की गुहार लगाई है, और रमेश तथा गौलव जो उपायुक्त थे पहले उनसे इनकी बात हुई थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी कोरोना में नए उपायुक्त आ गए हैं आदित्य रंजन, जिनसे इनकी मुलाकात नहीं हो पाई है, और ये उनसे ही बात करने लेते आ रहे हैं। लाइव लगातार के लिए संध्या आदल के साथ मैं अरुण बरनवाल, कोडरमा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।